तो वेलकम करते हैं आज की वीडियो में, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपकमिंग स्मार्टफोन सितंबर में कौन से आने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पर उससे पहले आप लोग हमें बताइए कि हमारा न्यू बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है, और ये जो लाइटिंग है तो ये भी आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, तो कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी मसले और मसाइलों के, तो लेट्स गो। तो जो आज का हमारा जो पहला स्मार्टफोन है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है Realme C25s। सो जो इसकी प्राइस निकल के आई है वो इसीलिए इतनी अच्छी प्राइस निकल के आई है कि ये मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हुआ है। और इसके स्पेक्स की बात करूँ तो 14 मेगापिक्सल आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको मिल जाती है, और UI 2.0 एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड आपको मिल जाते हैं। तो स्ट्रॉक एंड्रॉयड भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 21,000 में। आप अभी बाय कीजिए डरा से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और ये ख़त्म भी बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि इसके स्पेक्स तबाही लेवल के। 6,000 की बैटरी आपको मिल जाती है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, LPDDR4 एक्स रैम भी मिल जाती है, AMC 5.1 की स्टोरेज। तो इसकी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर बहुत जल्दी आपको 3-4 दिन में मिलने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन पे। जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है Vivo Y33s। तो इसके स्पेक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, पर MediaTek GET आपको मिलेगा जो कटिया चिप है, और Realme C25s में आपको MediaTek GET5 मिल जाता है। सो पावरफुल चिप आपको इस प्राइस में दे रहा है Realme। और बात करें तो Vivo का जो नया मॉडल आ रहा है तो इसमें GET होने वाला है, और 15 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलने वाला है। और बात करें तो इसकी 5,000 के करीब बैटरी होने वाली है, और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। सो इसकी प्राइस बोला जा रहा है कि 40,000 तक होगी, और देखते हैं क्या इससे भी ऊपर जाने वाला है। जैसे Y53s बड़ा ओवर प्राइस हुआ है और स्पेक्स भी घटिया दी हैं वीवो ने यहाँ पे। सो देखते हैं कि क्या होने वाला है, और IPS LCD भी आपको इसमें मिलने वाला है, एमोलेड तो आपको वीवो इस प्राइस में देगा नहीं। और बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन पे तो वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi Mi 11T। तो Mi 11T की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलने वाला है, और फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कन्फर्म हो रही है। और बात करें इसके प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन नहीं मिलने वाला है आपको, Dimensity 1200 इसमें मिलने वाला है Mi 11T में, और ये सितंबर में लॉन्च होने वाला है। और Y33s भी बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीक या अगली वीक में। तो बात करें Mi 11T की तो यहाँ पे आपको 8K की वीडियो भी शायद सपोर्ट मिल जाए, और 4K 60fps तो होने वाला है, और 5000 की बैटरी यहाँ पे होने वाली है, और चार्जिंग अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, और बैटरी भी लीक्स हैं। तो बात करें इसकी प्राइस की तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसकी स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन मिलने वाली है 120Hz की, और इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो ये निकल के आएगा 65,000 से लेके 75,000 के बीच में। रूमर्स हैं पर कंफर्म प्राइस अभी तक पता नहीं चली है। ग्लोबल लॉन्च इसका 15 सितंबर में होने वाला है, तो उसके बाद हम इसकी प्राइस पता चलने वाली है 15 तारीख को। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो हमारा Mi 11T Pro। तो Mi 11T Pro की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त तबाही लेवल के स्पेक्स मिलने वाले हैं, और Mi 11T Pro में आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कन्फर्म की जा रही है। और बात करें तो 5000 की बड़ी बैटरी और 120 वोल्ट की आपको फास्ट चार्जिंग, 120 वोल्ट की आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। और बात करें तो इसमें आपको जो चिप मिलने वाला है वो है Qualcomm Snapdragon 888 आपको मिलने वाला है, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चिप इस टाइम माना जा रहा है Snapdragon की तरफ से एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में। सो ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ये भी उस लॉन्च इवेंट में लॉन्च होंगे दोनों। शायद आपको Mi 11T फौरन ही पाकिस्तान में मिल जाए, Mi 11T Pro भी आपको मिल सकता है ग्लोबल लॉन्च के साथ। तो यही इसके स्पेक्स थे, और इसकी प्राइस तो 1,00,000 के करीब इसकी प्राइस निकल के आ रही है, और इसी ऊपर भी जा सकती है क्योंकि अभी टैक्स पाकिस्तान में ज़्यादा हो गए और असेंबल भी नहीं कर रहे हैं Xiaomi वाले फ्लैगशिप। अभी तो उन लोगों ने छोटे स्मार्टफोन्स भी नहीं स्टार्ट किए, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद आपको
Xiaomi के प्राइसेस में बड़ा डिफरेंस मिल सकता है मार्केट में, जैसे Realme अभी मिड में खेल रहा है बजट स्मार्टफोन्स में, सो अच्छी प्राइसेस दे रहा है, तो ऐसे बहुत Xiaomi भी करने वाला है, ऐसे प्राइसेस आपको देने वाला है, तो वेट करते हैं स्मार्टफोन का। और इसमें आपको OLED पैनल मिलने वाला है 120 Hz का और 1000 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन पर, और ये लॉन्च तो आपको मैंने इसका बता दिया है 15 तारीख को सितंबर में ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, शायद आपको ये पाकिस्तान में मिल जाए, पर Mi 11T आपको मिलने वाला है। सो बात करें नेक्स्ट मॉडल निकल के आ रहा है Realme की तरफ से, Realme GT Master Edition। सो ये तो लॉन्च हो चुका है ग्लोबल भी, इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, पर पाकिस्तान में इसकी लॉन्च की बात करें तो ये असेंबल पाकिस्तान बोला जा रहा है हो रहे हैं, और इसको लॉन्च करने वाले सितंबर के एंड में अक्टूबर की फर्स्ट वीक में ऐसा बोला जा रहा है। ये GT सीरीज़ का एक नया मॉडल है मास्टर एडिशन, और बड़ा ज़बरदस्त स्पेक्स ले आएगा, और ये पहला स्मार्टफोन पाकिस्तान का बन सकता है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 778 का लेटेस्ट चिप मिलने वाला है, और इसमें 64 मेगापिक्सल बैक कैमरा आपको मिलने वाला है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है, और 4300 या 4500 इसकी बैटरी होने वाली है, और 65 वोल्ट की आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। और बात करें इसके और स्पेक्स की तो LPDDR4X रैम है इसकी, और UFX 2.2 की शायद स्टोरेज है। तो इस तरह कुछ इसके स्पेक्स होने वाले हैं, और इसका भी हम वेट कर रहे हैं 120 Hz आपको यहाँ पे मिल जाता है, एमोलेड स्क्रीन, अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे मिल जाता है, और इसकी प्राइस की बात करें असेंबल पाकिस्तान हुआ तो आप इसको 55 या 65 के बीच में समझिए, ज़्यादा चांस है 55,000 तक हो, क्योंकि ऐसा लीक निकल गया है कि असेंबल पाकिस्तान कर रहे हैं इसको, तो ये सस्ता आप सबको मिलने वाला है। तो Realme की सोच है मुझे अच्छी लग रही है, और बहुत जल्दी Realme पाकिस्तान के मार्केट में टॉप स्मार्टफोन्स ब्रांड में होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन है, वो है टेक्नो पोवा 2। तो ये पता नहीं कब लॉन्च करेंगे टेक्नो वालों के पास, पता नहीं स्टॉक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। कैमल 17 प्रो के साथ भी इन लोगों ने बड़ी अच्छे काम किए हैं, वो आप वहाँ आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वीडियो आप देख लीजिए। और टेक्नो पोवा 2 में आपको 7000 की बैटरी मिलने वाली, 14 मेगापिक्सल कैमरा, 8 बैक में, और 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी मिलने वाली है। सो देखते हैं स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा, बोला जा रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है, और इसकी प्राइस की बात करूँ तो 25,000 या 23,000 के बीच में होने वाला है। तो चलिए बड़ा, या आपको इसका वेट नहीं करना चाहिए, आपको लेना है तो Realme C25 SB आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 6,000 बैटरी मिल जाती है, और जैसे Realme का UI आपको स्टॉक एंड्रॉयड की फील देता है, तो उसका भी आप इंजॉय कर सकते हैं, और एंड्रॉयड 11 भी आपको मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन पे, जो नेक्स्ट स्मार्ट किया जा रहा है वो है GT, और GT का बोला जा रहा है कि अभी तक इसको लॉन्च नहीं करेंगे जब तक अपने प्लांट पे वो फोकस दे रहे हैं, और ये भी लॉन्च हो सकते हैं अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट वीक में, तो ऐसा हो सकता है। और इसकी ये सैंपल पाकिस्तान हुआ तो 70 या 65,000 के दरमियान में ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन पे, जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है हमारा Samsung E52S, और इसकी स्पेक्स की मैं बात करूँ 64 मेगापिक्सल iOS का कैमरा आपको मिलने वाला है, और 4500 की बैटरी यहाँ पे निकल के आ रही है। और बात करें तो iOS बैक कैमरा में आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको मिलने वाली है, और बात करूँ IP67 की रेटिंग के साथ भी ये आने वाला है। और बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778 मिलने वाला है, तो ये आपको सितंबर के एंड में पाकिस्तानी मार्केट में मिलने वाला है, ग्लोबल लॉन्च यूरोप में इसका हो चुका है, और बहुत जल्दी आपको पाकिस्तानी मार्केट में ये मिल सकता है। इसकी प्राइस तो हाई होने वाली है 80,000 या 70,000 निकल के आ रही है, क्योंकि Samsung है ना, आप समझिए। इसकी चार्जिंग स्पीड इतनी 25 वोल्ट की होने वाली है, और सितंबर के एंड में आप इसको इंतज़ार कीजिए जब तक आ जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन है, वो है OPPO Reno 6। OPPO Reno 6 की मैं बात करूँ तो ये आपको नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है, और मिड में भी आपको ये मिल सकता है, और एंड तक, क्योंकि अभी लॉन्च थोड़ा ही लेट कर रहे हैं कंपनियाँ, पता नहीं क्या हो जाए। और इसकी स्पेक्स की मैं बात करूं तो ये आपको फ्लैट साइड से मिलने वाला है, जैसा कि आपने देखा होगा, और स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखा दूंगा। और जो 6 Pro है वो कवर्ड है, तो कवर्ड है वो, और ये फैट है,
तो ये आपको फैट साइड से मिल जाएगा। और इसकी बात करूँ स्क्रीन की तो एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलने वाली है 90 हर्ट्ज की है शायद, और 64 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है, और फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल मिल जाते हैं। इंडिया में लॉन्च हो चुका है तो इसके कन्फर्म स्पेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। और बैटरी जो निकल के आ रही है इसकी, तो जो इसकी बैटरी निकल के आ रही है वो है 4300 के करीब ही है, 4500 के करीब। और 15 वोल्ट की आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है, 65 वोल्ट की आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। और जहाँ तक मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो वो इस बार चिप जो इसका होने वाला है वो है Dimensity 900 5G चिप आपको मिल जाता है। और कुछ तो ओप्पो अच्छा कर रहा है। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो 65 के अराउंड इसकी प्राइस हो सकती है पाकिस्तानी मार्केट में, और ये मिड में आपको मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन है, वो है हमारा Redmi 10 की मैं बात करूँ तो ये बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में नेक्स्ट वीक में आपको मिलने वाला है, कन्फर्म किया जा रहा है। मी स्टोर वाली भी कर रहे हैं और Xiaomi पाकिस्तान भी कर रहे हैं, पर कुछ वो अलग ही कन्फर्म कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या करने वाले हैं ये, तो देखते हैं। और बात करें तो मलेशिया में ये लॉन्च हो चुका है। और इसके मैं कैमरास की बात करूँ तो सबसे मेन जो हाईलाइट है इसका वो 15 मेगापिक्सल है और GED8 है, और 19 हर्ट्ज की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलने वाली है। और बात करें IPS LCD होने वाला है। और इसके बैटरी की मैं बात करूँ तो 5000 की बैटरी यहाँ पे मिलने वाली है, 18 वोल्ट की आपको फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है इसमें सपोर्ट। और कुछ खास कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका 15 मेगापिक्सल आपको 30,000 या 32,000 में पाकिस्तान में मिलने वाला है, 8 मेगापिक्सल की इसकी फ्रंट सेल्फी होने वाली है। सो इसका जो बैक का डिज़ाइन है वो मुझे बड़ा पसंद है, और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है। सो चलिए देखते हैं कि ये क्या कमाल करने वाला है और कौन सी वेरिएंट इसके पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन। तो जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है नोकिया G15। सो इसके बारे में कुछ मैं आपको ज़्यादा स्पेक्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि नोकिया अभी पता नहीं पागल हो गया क्या हो गया, जो इनकी प्राइसेस होती हैं जो ये स्पेक्स देते हैं उसको देख के मैं पागल हो जाता हूँ। अभी जो इनका नया स्मार्टफोन है वो निकल के आ रहा है 49,000 के अराउंड या इसके ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि नोकिया है ना। और यहाँ पे आपको जो चिप मिलने वाला है वो है स्नैपड्रैगन 480, तो 480 आपको यहाँ पे चिपसेट मिलने वाला है 5G। तो इस प्राइस में ये चिप बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। और बात करें तो 14 मेगापिक्सल का वही कैमरा होगा, IPS LCD आपको मिलने वाला है, वही घटिया डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। सो इसके स्पेक्स मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, और ये थी आज की वीडियो। सो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे नया बैकग्राउंड कैसे लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।